गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज अर्जुन के लिए एक स्पेशल डे है क्योंकि अर्जुन उठ चुका है और खुश भी है और थोड़ा नर्वस भी है क्योंकि आज अर्जुन का रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा और हम उसके स्कूल में रिज़ल्ट पता करने जाएंगे। और रिज़ल्ट का टाइम भी सुबह सुबह ही है, 9 से 10 बजे के बीच में। और अभी हम देखेंगे कितनी परसेंटेज आती है। वैसे तो उसने बोला है कि अगर उसकी परसेंटेज 90% से अबव आती है, 90% से ज़्यादा आती है तो उसको गिफ्ट चाहिए, लेकिन उसने बताया नहीं है कौन सा गिफ्ट चाहिए। ये तो अभी बाद में पता चलेगा कि 90% से नीचे आती है परसेंटेज या ऊपर आती है। अगर 90% से ऊपर आई तो भाई गिफ्ट तो बनता है। अभी मुझे पता नहीं है वो क्या मांगेगा, लेकिन उसने ये बोला है कि मेरे से प्रॉमिस करो अगर मेरे मार्क्स जो हैं वो 90% से ऊपर आए तो मुझे गिफ्ट चाहिए। तो अभी हम इसीलिए मैंने सुबह आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गया। वैसे तो मैं जल्दी उठ जाता हूँ, लेकिन वैसे तो मेरी हैबिट है कि जल्दी सो जाना और सुबह जल्दी उठना, लेकिन आज ज़्यादा ही पहले उठ गया क्योंकि अर्जुन को भी रेडी करना है। क्योंकि अर्जुन को सिर्फ पटकी मैं ही बांधता हूँ, उसे और किसी की पसंद नहीं आती, तो इसलिए मुझे जल्दी उठना पड़ा। घर का भी काम थोड़ा बहुत करना है, तो इसके बाद हम चलेंगे अर्जुन के स्कूल और देखेंगे कितनी परसेंटेज आती है अर्जुन की। तो चलो भाई, मैं अपना काम कर लेता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं अर्जुन के स्कूल। तो लो भाई, अर्जुन आ गया फीड लेकर, तभी हम निकालेंगे दूध और फिर अर्जुन से पूछेंगे अर्जुन गिफ्ट क्या चाहिए आज। लेकिन पहले इसके मार्क्स देखकर आएंगे स्कूल से, इसने क्या किया एग्ज़ाम में। तो भाई, सुबह का कुछ नहीं खाया था तो हम गए थे आज अर्जुन का रिज़ल्ट देखने। तो अर्जुन के रिज़ल्ट का तो पता चल गया, वो मैं आपको शाम को बताऊंगा कितने मार्क्स आए उसके। लेकिन फ़िलहाल तो बहुत भूख लगी थी तो मैं खाना खा रहा हूँ, और खाने में है भाई गर्म गुलाब जामुन और बटर नान। मुझे ऑफ़िस में बार बार फ़ोन आ रहा था, तो मुझे ऑफ़िस में काम था, मैं सीधा ही स्कूल से सीधा ऑफ़िस के लिए आ गया। और अर्जुन अपनी मौसी के घर रुक गया, अभी रहेगा वो एक दो दिन के लिए। तो बहुत बुरा हाल हो गया आज भूख से, तो अभी मैं सिर्फ खाना खा रहा हूँ। और शाम को मैं आपको बताऊंगा कि कितनी परसेंटेज आई है उसकी, जितना उसने सोचा था उतनी है या उससे कम है, वो शाम को पता चलेगा जब मैं घर जाऊंगा, अभी मैं ऑफिस में हूँ। तो मैं पहुँच चुका हूँ घर और मेरे पास है अर्जुन का रिज़ल्ट। तो उसने बोला था कि मेरे 90% या इससे ज़्यादा आएंगे, लेकिन मैंने टोटल किया इसका तो इसके नियरली 85% बनते हैं, लेकिन इतना खुश नहीं था। तो सोशल स्टडी में सबसे ज़्यादा आए हैं इसके, देखिए ओवरऑल 92 इसके नंबर जो हैं वो 92 आए हैं। तो वो सोच रहा होगा कि मेरा गिफ्ट कैंसिल हो गया, लेकिन कोई बात नहीं है, गिफ्ट हम लेकर देंगे। इस बार हमने उसे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हेल्प नहीं की पढ़ाई में, खुद ही उसने जो भी मार्क्स लिए हैं खुद ही लिए हैं, कोई ट्यूशन वगैरह भी नहीं गया वो। तो नेक्स्ट टाइम अगर हम उससे खुद हम पास बिठाकर मेहनत कराते तो शायद अच्छे नंबर ले जाता। तो चलो कोई बात नहीं, 85% भी बहुत है, लेकिन उसने सोचा था कि जैसे मेरे एग्ज़ाम्स हुए हैं वैसे ही मेरी परसेंटेज होगी। तो इसके साथ हमें एक तो
कार्ड मिला है और एक है उसकी क्लास के साथ उसकी पिक्चर। और ये देखिए, ये है अर्जुन की फोटो। तो जब भी मैं अर्जुन के स्कूल जाता हूँ, चाहे पेरेंट्स मीट पर, चाहे वैसे अगर कोई काम हो तो मैं जाता हूँ, तो उसके स्कूल के बिल्कुल पास एक रजिंद्रा नर्सरी है, प्लांट नर्सरी है, वहाँ पर मैं पौधे लेने ज़रूर जाता हूँ। अगर मुझे कुछ कोई पौधे की ज़रूरत होती है तो मैं वहाँ से ले आता हूँ। और ये देखिए, मैं पौधे लेकर आया हूँ। ये पौधा है तेज पत्ते का, और एक दालचीनी, और एक मेरे पास अंगूर का पौधा नहीं था, और तुलसी है, और इसमें सीडलेस जो खीरा होता है वो है, और ये है कड़ी पत्ता। तो ये मेरे पास जो पौधे नहीं थे, मैं उस नर्सरी से पौधे लेकर आया हूँ। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे पौधे हैं, लेकिन कुछ पौधे अभी रह गए हैं लगाने वाले। तो तुलसी भी है इसमें, और एक पौधे का मुझे नाम नहीं याद नहीं आ रहा, इस पौधे का नाम पता नहीं क्या है, लेकिन ये डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा पौधा होता है। पेट इससे जो पेट की साफ सफाई हो जाती है। और एक ये है ब्रह्मी का, ये देखिए, ये पौधा है ब्रह्मी का, जो दिमाग के लिए बहुत ही अच्छी होती है, जड़ी बूटी होती है ब्रह्मी। और एक खीरे का पौधा है। ये खीरे के कितने पौधे हैं, 4 पौधे मैंने खीरे के ले लिए। पहले भी लगाए हैं, लेकिन मेरे पास अभी जगह थी क्यारी में लगाने के लिए, तो मैंने ये 4-5 पौधे खीरे के भी ले लिए। तो भाई, इनका भी हम हाल चाल पूछ लें, क्या हाल है इनका। देख रहे हैं मेरी आवाज़, पहचान के आवाज़ ये बोलना शुरू हो गई। मेरी आवाज़ इनको पता चल गया कि हाँ भाई, ऑफिस से आ गया ये, और बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी मक्खन नहीं आया, चारा वगैरह भी डालना बाकी है। तो ऑफिस से जब भी आता हूँ थोड़ी थकावट तो होती है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि चलो भाई मक्खन ही डालेगा इनको चारा। अगर मेरे पास टाइम होता है तो भाई मैं खुद ही डाल देता हूँ। तो चारा डाल के और दूध निकाल के हम अपना काम जो है वो समाप्त करेंगे, इसके बाद देखेंगे हमें क्या करना है। तो अर्जुन आज हमारा मौसी के घर रुक गया, तो हमारा दिल तो नहीं लगेगा उसके बिना, लेकिन उसका भी पता नहीं है, फ़ोन करके पूछेंगे कि उसका दिल लगा है या नहीं लगा। कभी वो गया ही नहीं कहीं भी, किसी भी रिश्तेदार के रिलेटिव के पास कभी भी नहीं गया, वो अपने घर में ही रहता है। मिलने ज़रूर जाता है, लेकिन रात कहीं नहीं रुका वो। ये पहली बारी है कि वो घर से बाहर गया है। तभी हम हालचाल पूछेंगे उसका, नहीं तो क्या होता है, वो दूध निकालने जब मैं हवेली में आता हूँ तो वो भी फीड लेकर आ जाता है दूध निकालने के लिए, लेकिन आज तो वो है नहीं। तो पहले तो हम अपनी ड्रेस चेंज कर लेते हैं, जो हम ऑफिस में पहन के गए थे कपड़े वो हम चेंज करेंगे और घर वाले पहनेंगे, और फिर पशुओं को चारा डालेंगे। काम हमने कर लिया है, दूध भी हमने निकाल लिया है, और भाई अभी हमारी सरसों की कटाई शुरू होगी बस 1-2 दिन में, क्योंकि सरसों अब धीरे धीरे पक रही है, तो इसमें कुछ पक रही है अभी, कोई कच्ची है, लेकिन हम 1-2 दिन में कटाई शुरू कर देंगे। और सूरज भी धीरे धीरे छिप रहा है। तो आज के व्लॉग में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। मिलते हैं नई नेक्स्ट वीडियो में।